स्पर्श नहीं करना है किसी को, दूर से ही प्रणाम करना है। आप सभी से बिना आग्रह है कि आप सभी पूज्य गुरु भगवान के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन पहले विराजमान हो जाएं, अपने स्थान पर आप सभी बैठ जाएं। सभी माता बहनों से भाइयों से बिना आग्रह है आप सभी बैठ जाएं, बिना आग्रह है। राजस्थान की पावन धरा में पूज्य गुरु भगवान का आगमन जोधपुर में हुआ। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नव वर्ष पर शुभकामनाएं दिवस आज जोधपुर की पावन धरा में हुआ, और पुनः विश्व हिंदू परिषद ने निवेदन किया, आग्रह किया। माननीय राजस्थान के सीएम साहब ने भी आग्रह किया, और समय नहीं था तब भी गुरुदेव भगवान नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी के मध्य में विराजमान हुए। ये हम सबका परम सौभाग्य है। अचानक ही सुबह यहां का कार्यक्रम बना, और विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्य समिति के अधिकारी, बजरंग दल की पूरी टीम, भद्रंगणे भे शृणुयाम देवा भद्रम भजे माघ्रजत्रह स्थिरैरंगैस्तष्टवा गोसस्तानो भ्रव्यसे महि देवहितञ्जदायोः शतमिन्नो शरदो अन्ति देव यत्र नश्चकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी विघता जुरन्तोः आदितिदियोरदितिरन्तमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देव आदिदेहि पञ्च जन आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षज्ञो शान्तिः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जद्वद्रं तन्न आसुव। जय जय श्री राम। आप सभी से आग्रह है, आप सभी विराजमान हो जाएं, और विश्व हिंदू परिषद के सभी जो हमारे भाई हैं, श्रीमान मनोहर जी, बंसल जी, श्रीमान ताराचंद जी, चोपड़ा जी, श्री स्वरूप सिंह जी, भद्रू जी, श्री भुवनेश जी, दुबे जी, श्री खेमी चंद जी एवं श्री पृथ्वी चंडक जी, आप सभी से आग्रह है आप सभी सीख आ जाएं पावन मंच पर, और पूज्य गुरु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब तक कि सभी आप सभी विराजमान हो रहे हैं हमारे बीच में, बहुत ही हेलो प्रसिद्ध आप सभी से मेरा अनुरोध है, यथा स्थान जहां हमें मिल रहा है एक बार नीचे बैठ जाएं। आप सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया आप सभी नीचे बैठ जाएं। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए बागेश्वर धाम की। मेरा निवेदन प्रकाश जी माली से, एक देशभक्ति ओतप्रोत एक अपनी सुंदर वाणी से रचना प्रस्तुत करावें प्रकाश जी माली। आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है, पुलिस कर्मियों से भी निवेदन है, थोड़ी व्यवस्था को ठीक करवाएं। पांच हाँ देखिए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई साहब प्लीज। एक मिनट भाई साहब,
महाराज जी कह रहे हैं कि बाड़मेर के मेरे पागलों को कह दो कि एकदम आराम से बैठ जाए, मैं बहुत देर तक आप लोगों के बीच में रहने वाला हूं, छोटी सी व्यवस्था दे दीजिए आप। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। पांच पांच थोड़ा सा शांत हो जाइए, अच्छा लगेगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, महाराज जी ने आते ही मुझे आदेश किया है। राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी मंच पर विराजमान, माननीय मनोहर जी बचाव, माननीय मनोहर जी विभाग संघ चालक जी से मेरा निवेदन रहेगा कृपया मंच पर पहुंचे। अध्यक्ष श्रीमान तारचंद जी चोपड़ा, स्वरूप सिंह जी बदरू, श्रीमान भुवनेश जी दवे, जिला संयोजक बजरंग दल, श्रीमान पृथ्वी जी चंडक अध्यक्ष स्वागत समिति, निवेदन रहेगा कृपया आप मंच पर पहुंचे। हेमचंद जी पांच, महामंत्री विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर से आग्रह रहेगा का महाराज श्री के चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पित करें। सम्मान हमारी सनातन की प्राचीन परंपरा है, हिंदू संस्कृति के संवाहक, हिंदू राष्ट्र चेतना के प्रतीक, हिंदू धर्म के प्रखर वक्ता श्री बागेश्वर धाम के महाराज श्री जय श्री राम महाराज का बागेश्वर सरकार की। बोलिए बागेश्वर धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, अंजनी सुत हनुमान की, वायु पुत्र हनुमान की, महाराज श्री के श्री चरणों में पुष्प गुच्छ कर आशीर्वाद ले लिया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। चलिए, मैं महाराज जी ने आदेश दिया, मेरा भाग्य खुल गया आज, और आप लोगों का भी खुल गया, तो उठाइए हाथों को, बागेश्वर सरकार की जय हो। उठा दीजिए हो पवन कुमार, ताली से शुरू करना चाहता हूं, देखिए बाड़मेर का जोश महाराज जी को लगना चाहिए, उठाइए दोनों हाथों को, उठा दीजिए हो, उठा दीजिए हो, उठा दीजिए हो पवन कुमार, पर मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं थारी जय हो, एक बार बागेश्वर सरकार की दोनों हाथों को उठा के बोल देना जय हो, चलेगा भैया भाई, थारी जय हो, जय हो, थारी जय हो, जय हो, थारी जय हो, बनी नहीं बात, थोड़ा और उठा के बोलो, हाथों को उठाइए एक बार, ताली बजाइए, बन मेरे भाई, थारी जय हो, जय हो, थारी जय हो, जय हो, थारी जय हो, थारी जय हो, पवन कुमार बजरंग तारा, थारी जय हो, पवन
बाड़मेर में घोटा घूम गया हनुमान जी महाराज का, सरकार स्वयं आए हैं, ताली उठा के स्वागत कर दीजिए। घुमा दे घुमा दे घुमा घुमा दे सुद्धे महाराज जी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी का, बहुत ही सुंदर भजन हम आप सभी ने भजन का आनंद लिया। और अब हमारे बीच पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार विराजमान है, हम आप सभी पूज्य गुरु भगवान के आशीर्वाद भजन श्रवण करेंगे। और उसके पहले हमारे बीच में राजस्थान के माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी सीएम साहब विराजमान है, उनसे आग्रह है कि वो आकर के गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए गुरुदेव भगवान अपने भक्तों के पास पहुंचे हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है कि नया वर्ष, कल से नवरात्रि भी प्रारंभ है, मां की कृपा तो हम सब पर हो ही रही है, साथ में बागेश्वर बालाजी सरकार की भी का आशीर्वाद हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। और आइए चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए सीएम साहब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बागेश्वर धाम की। सबसे पहले तो मैं महाराज जी को नमन करता हूं, मंच पर विराजमान सभी संतों को नमन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य था, मेरा बाड़मेर आना हुआ, गुरु जी का यहां पदार्पण हुआ। निश्चित रूप से मैंने देखा कि यह लाभ तो लेना चाहिए, गुरु जी का आशीर्वाद। और आज इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले नवरात्रि के। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी और हनुमान जी आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशी लेकर के आए, इसकी मैं कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी निकलेंगे, समय कम है, मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका हमें इस जिस तरह से वो हनुमान जी महाराज और बागेश्वर जी धाम की कृपा है, हमें अपने आशीर्वचन दें माननीय महाराज जी। श्री राम नमः। गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः, परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु, सीता पति पादुकाभ्या, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतयै नमः। जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गबावे नूर।
डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। अरे साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, तनोट धाम माता की, श्री सीता राम भगवान की, बाड़मेर के श्री वीर बालाजी महाराज की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर वाले बालाजी की, बाड़मेर के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, मंच पर विराजमान सभी संतों की, इस कार्यक्रम को नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाने वाले श्री विश्व हिंदू परिषद परिवार की, आने वालों की, नायाबे बारन की भी, सहयोग करने वालों की, विरोध करवे बालन की भी, नमः पार्वती पतये हार 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 हार। साधु जी अरे जोर से तो बोलो सीताराम। जो शाम 4 बजे से बैठे गाली बकरे गुरुजी अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी जय। हम जो है आ तो हमें जल्दी जाना था जोधपुर में, पगलन ही पगलन ने हमें पकड़ लो। कथा हुई बहुत देर तक, आने में फिर गाड़ी के ऊपर सब पागल चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से हमें तो लग रहा हो तो कि आज हम अपने प्राण सुरक्षित लेके जा पावी के नहीं। हमें पता नहीं था कि राजस्थान में इतने पागल हैं, लेकिन बाड़मेर में आकर के पता लगा कि वहां तो टेलर था पिक्चर तो यहां है। जो हिंदुत्व का उबाल, जो हिंदुत्व का खून खोलता हुआ युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, जय श्री राम के नारे मस्तक पर टीका लहराता हुआ धर्म ध्वज बता रहा है भारत में राम राज जा रहा है। और मेरे पागलो, अभी तो अयोध्या में राम जी बैठे, अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा बाकी है। पहले कहते थे रामलला हम आएंगे माखन में, रामलला हम आएंगे मंदिर वही, अब हमने पलट दिया नारा, अब हम कहने लगे कृष्ण लला हम आएंगे माखन मिश्री खिलाएंगे। लेकिन आज जो है भाई, ये माइक की डबलिंग कम कर दो यार, भाई साहब पैसा तुम पूरे लोगे, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए हमारे गले के हिसाब से, थोड़ा इज्जत के हिसाब से कर दो बेटा। इतनी भी गई गुरुजी इज्जत नहीं है हमारी जिस हिसाब से तुम माइक दे दिए। तो हमको आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई, मंच पर विराजमान सभी संतजन, महंत मठाधीश, और साथ में यहाँ राजस्थान सरकार के आप सबके लाडले, और हमारे ठाकुर जी के बड़े ही लाडले, जिन पर गोवर्धन नाथ जी की बड़ी कृपा है, जिनके नाम ही में भजन लगा है, हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता समान। हमको पता लगा कि आप यहां पहुंच रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों ने कहा कि गुरुजी आप जोधपुर आ रहे, बाड़मेर कभी नहीं आए, यहां धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आ जाओ। तो हम जो है एन कैन प्रकारण, कल चूकी मंगलवार है, सुबह से बागेश्वर धाम पर दरबार है, लेकिन जैसे भी समय बना यहां आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जब हमने प्रकाश माली जी को देखा, इनके भजनों की जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जो भजनों की समर्पणता है, बाग देवी सरस्वती की जो कृपा है, भगवान करे इनको किसी की नजर ना लगे। और हमारे बाम दक्षिण भाग में श्री गिरिराज जी के
बड़े ही लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी, आप संतों के बड़े भी लाडले हैं, आप भी बैठे मंच पर, जितने लोग विराजमान सामने, जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर कैमरा लेकर चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां हैं सिया राम मैं सब जग करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, बोलो सीताराम। कुछ लोग तो आ गए पर्चा के चक्कर में, बाबा आया है बाप का नाम बताएगा, लुगाई के कांड बताएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले, तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम आए हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। पर्चा से कुछ लोगों का भला होना है, हनुमान जी की चर्चा से तो सबका भला होना है। बोलो जय सिया राम। लोग हमसे कहते कि आप भड़काने वाली बात करते हो, उन मूर्खों को कौन समझाए, हम भड़काने वाली नहीं जगाने वाली करते हैं। अब कोई सो रहा हो तो क्या जगाना बुरा है? हम सिर्फ, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं, हमारी पीठ से सबका सम्मान है, लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर हैं, इसमें किसको क्या दिक्कत? जिसको दिक्कत हो हाजमोला खा लो, पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बाड़मेर के पागलो, जोर से बोलो जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की, तनोट माता धाम की। अरे यहाँ के लोग साधारण नहीं, हमारा गौरव है कि हम राजस्थान आए हैं, उस भूमि में आए जहां का कंकड़ कंकड़ वीर है, उस शौर्य पराक्रम की भूमि में हम बैठकर धर्म विरोधियों को ललकार रहे हैं, जहां के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी वीर है। हम उस भूमि पर बैठे हैं जहां चमत्कार की जब बात उठती है, लोग हमारे सामने बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े मुंह चलाने वाले, हली उल्लाह वाले हमारे पास आते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है। ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे, बागेश्वर धाम की सिद्धि देखने के पहले राजस्थान में बैठी तनोट माता की सिद्धि का चमत्कार तो देख लो। उनके दाढ़ी बारन के गोला में भी धरे बाप जैसे, चमत्कार ऐसा एक भी नहीं फटे बेचाय सो। वो लोग सो रोड पर आ गए, कौन जिनने गोला फेंके थे, लेकिन हमारी माता तनोट माता का मंदिर का चमत्कार, भगवती आद्य शक्ति देवी परम्बा जगदम्बा जगदेश्वरी जगदात्मा देवी का चमत्कार, राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का वीरत्व, राजस्थान की भक्तिमती माता मीराबाई का तेज आज भी पूरे विश्व में प्रवाहित होता है, इसलिए गर्व से कहो हम राजस्थान वाले हैं। हम साधारण भूमि से नहीं, जहां की कंकड़ कंकड़ में वीरता है मेरे पागलो, इस भूमि के तो कंकड़ कंकड़ में भक्ति है मेरे प्रियजनों। हम बेफिजूली में ना तो किसी चुनाव के कारण आए, ना नेताओं के कारण आए, हम तो तुम पागलों के कारण आए हैं। हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम लला के कारण आए हैं, सनातन धर्म के कारण आए हैं, वो अपने बड़े ही प्रिय भजन लाल शर्मा जी के कारण आए हैं। बाड़मेर में बहुत दिनों से यहां पर सामने कुछ माताजी हमें बैठी अर्जी लेके आ गई कि गुरुजी आ रहे, लेकिन माताजी अभी तो हमें जल्दी है, अगली बार हम 5 या 7 दिन की कथा भी यहीं सुनाएंगे,
दो दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, एक दिन का दरबार, एक दिन की भभूति, और बहुत ही जल्दी। आज लेकिन कोई खाली नहीं जाएगा, सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। लेकिन रुको रुको रुको, तुम लोग बहुत जल्दबाजी में हो। एक तो क्या करें, राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक भी तो होते हैं। एक राजस्थान का आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, यहीं का बाड़मेर का, हमारी तरफ मध्य प्रदेश वाली ट्रेन में। टीटी बोला टिकट टिकट दिखाओ, उसने ली, ले साहब देख टिकट। टीटी बोला ये टिकट तो पुरानी है। लेकिन राजस्थान का आदमी हार मान जाए, बोले टीटी क्या तेरी ट्रेन नई है, क्या तेरी ट्रेन अभी शोरूम से थोड़ी निकली, जैसी ट्रेन वैसे ही टिकट। अंततोगत्वा टीटी ने नौकरी छोड़ दी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी इसका क्या उपाय। हमने कहा सबसे फंसना भारत में, सब लोगों से फंसना, राजस्थानों पे बाढ़ मारियो, फिर बाड़मेर वालों से, इनसे कभी मत फंसना बेटा। ये लोग वो खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के भी गोला बारूद जिंदा रख लिए हैं। उस दिन के बाद में टीटी ने संन्यास ही ले लिया है। अब ये मत पूछना कि वो टीटी हम ही थे। इसलिए आप लोग बहुत सज्जन प्रियजन हो, पर मेरे पागलो हम तुम्हें एक बात बताएं, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। तो कथा करने हम तब आएंगे जब हर हिंदू अपने घर के बाहर झंडा लगा लेगा, जब माथे पर टीका लगा लोगे और जाति पात का नाता तोड़कर राजस्थान में भी हिंदू एकता की लहर ले आओगे, तब हम राजस्थान के बाड़मेर में आकर के कथा सुनाएंगे। करोगे ऐसा? कच्चा के पक्का, बात मानोगे? देखो मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते, ईसाई रविवार को जाना नहीं भूलते, लेकिन हिंदुओं तुम भूल गए। इसीलिए मंदिरों में आजकल घंटियों की जगह मशीनें बज रही, घंटियों की मशीनें बजाई जा रही। पहले तिलक लगाने पर, चोटी रखने पर गर्दन काटते थे, आज तो ऐसी सत्ता है, ऐसा सरकार है जो स्वयं रामलला को विराजमान करवाती है। अब क्या बिगड़ गया? इसलिए हिंदुओं अपने आप को भुलाओ मत। तुम मंगल या शनिवार चाहे वीर हनुमान जी जाना प्रारंभ कर दो, चाहे बगल के शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, ताकि दुनिया के धर्म विरोधियों को पता लगे कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। और एक बात और बोलें, लाखों पहन लो धर्म विरोधियों, तुम हमारे जैसे गहने और जेवर पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। इन राम भक्तों सा उत्साह लौट करके कहीं पर भी मिलने वाला, और हनुमान जी जैसा कोई दुनिया में देवता और देवता, चित्त न हनुमत से ही, ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, जिनके पास आठ सिद्धियां नौ निधियां हैं। और भारतीय हिंदुओं, अब तुम्हें हलीउल्लाह बालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हनुमान जी भी किसी से कम हैं क्या? राम दूत अंजन पुत्र, अगर तुम्हें मान लो भूत प्रेत ही लग गए तब भी हलीउल्लाह वालों के पास मत जाओ। पांच लोग हैं काले रंग के कपड़ा में बांधो, एक चौपाई हमसे ले लो, भूत पिशाच महावीर जब राम सुना। इस चौपाई को 108 बार बोलकर गले में या हाथ में बांधो, बाड़मेर के पागलो, और हम तुम्हें वचन देकर कहते जब तक हम पृथ्वी पर जिंदा है कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सियाराम। रोग में फंस गए, बाधा में फंस गए, तो एक चौपाई गाया करो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो, जाओ
कैसा भी रोग हो, बाधा हो, संकट हो, हनुमान जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लग जाएगी हनुमान जी जैसा, क्योंकि दूसरा देवता नहीं है। तो जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता, कच्चा कि पक्का, जोश में कि होश में, झंडा लगाओगे, माथे पर तिलक लगाओगे, हिंदुओं की एकता लाओगे, किसी भी हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाने दोगे, और हम बहन बेटियों से भी कहेंगे तुम भी सावधान रहना, ये कलाबा पहन करके भी आ जाते हैं, भरोसा मत करना, लव जिहाद के चक्कर में नहीं फंसना, सावधान रहना। बोलो सीताराम। अब एक बात बताएं, अब तुम तो आए हुई हो अर्जी के चक्कर में, अर्जी तो हम लगा ही दे रहे हैं क्योंकि बाड़मेर के पगला हैं, हमने पहली बार पागलपन देखा। हाँ भैया तुम क्यों नागन जैसी लहरा रहे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ के हो, खड़े हो जान दो, बच्चा है, छोटा बच्चा है, खड़े हो जा बेटा। कहाँ का हो बेटा? अच्छा आ जा, हमारे लो आ जा बेटा, आ जा, आ जाने दो उसको, आ जाने दो। अमीर तो हमारे पास आ ही जाते हैं, कभी इनको भी तो आने दो, आने दो भैया, आ जाने दो, आ जाने। वो बीच बीच में नागन जैसी लहरा तो हर बार, तो तीन चार बार हमारी नजर पड़ गई। अब एक पे एक फ्री नहीं आए, एक ही चलन दो, कन्निर्मा को प्रोडक्ट थोड़ी आए। हाँ हाँ हाँ, अभी दूसरे जने चले आ रहे पीछे से, उन्हें लगा कि हम भी चल जाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा बागेश्वर बालाजी की कृपा कौन कौन पाना चाहता है? ठीक है हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। आ जा बेटा, आ जा, जा तो तुम हमारे बालाजी की फोटो गले, माए देखो तुम्हारी फोटो खिंचवाए दे रहे। कहाँ के हो? धोरीमना। धोमिंदा, धोरी मन्ना, क्या नाम है? शुभम। शुभम क्या करते हो भाई साहब? क्या करते हैं? पढ़ते हो? मोबाइल चलाते हो? ऐसे कम चलाना है, पढ़ियो खूब, आशीर्वाद। ये तुम्हें फोटो किसने दी? हैं? अच्छा आशीर्वाद, ये बच्चा को माला डाल, खूब पढ़ो, नाम रोशन करो। काहे के लाने आए थे बेटा तुम? हाँ। माँ के पास में आए। हाँ? आपको देखने, देखने। हमें देख, देख रहे बेटा। खुश रहो, जाओ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ऊपर ही बैठे रहो। जय सियाराम। साधु जी बोलो बागेश्वर बालाजी की। तो बालाजी की कृपा पाने वाले लोग हमारी तीन बातें मानेंगे, हाँ या ना तो बोलो। भैया हमें इससे हेलीकॉप्टर से डर लगता है, दूर रखना इसको, थोड़ा दूर रखना। हाँ तो हमारी बात मानोगे? पहली बात, पहली शर्त है आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें, क्योंकि हम तो मूर्ख और नालायक हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हम भगवान हैं, हम पापी जीव हैं। अगर तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे पीछे पागल मत हो, मेरे पागलो, मेरे बाड़मेर के पागलो, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे संकटों को कटवा देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। और हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान का हर युवा, राजस्थान की हर बेटी एक बात याद रखे, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माता पिता को जाना जावे। और तुम सेल्फी के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में जितना हमारे पीछे पड़ते हो, ये बात तुम्हें कोई दुनिया का आदमी नहीं बोलेगा, पर मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चरण पकड़ लो और पुरुषार्थ करो, मेरे बेटा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आ जाए कि लोग तुम्हारी सेल्फी लेने के लिए पीछे भागें।
बोलो जय सियाराम। तो पहली शर्त आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की, स्वयंभू बालाजी हैं। जैसे मेहंदीपुर में सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी हैं, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, उनकी दिव्य तपस्या, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर किया हुआ परिणाम, 5 बार बागेश्वर बालाजी ने, हनुमान जी ने दर्शन दिए सन्यासी बाबा को, और उनके बल पर पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी दिव्य दरबार लगाया जाता है। जो कह दिया जाता है वही सत्य निकलता है। इसलिए तुम किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के सामने जाना, जाकर के कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, हे बालाजी आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए, लौट कर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। और पर्चा से कल्याण नहीं होना है, पर्चा तो बहाना है, मन की बात बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। पर मेरे बाड़मेर के पागलों, हम चाहते हैं कि तुम दूसरे मजहबों में ना भटको, तुम्हें तंत्र मंत्र में ना पढ़ना पड़े, और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, और सदा सदा के लिए हनुमान जी तुम्हारे हो जावें। बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की, राजस्थान के पागलों की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा कि पक्का, जोश में कि होश में, माथे पर टीका लगाओगे, जातिवाद मिटवाओगे? अगर कोई सनातन की बुराई करेगा तो ठठरी कौन कौन मारेगा? पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी कृपा या सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो, घर पर अर्जी बांध दियो, हम दोबारा बाड़मेर आएंगे, कथा सुनाएंगे, अर्जी भी लगाएंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे। बोलो जय सियाराम। अब हमको जाना भी है, हमारा बुढ़ापा भी आ गया है, ज्यादा देर बेउलने से थक जाते हैं, हम सो नहीं पा रहे, हम जानते हैं इतना भी बुढ़ापा नहीं आया, हम तो मजाक में कह रहे। और अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और परिवार का ध्यान रखना, पर कट्टर सनातनी जरूर बनना। माताजी सीताराम, हाँ हाँ लेता जो प्रसाद माताजी को ले लियो, राखी ले आई होंगी ये बहन जी, जो झंडा लिए हमें राखी बांधने के लिए आई हैं, बहुत देर से बैठी हैं ये, और इनकी वाईफाई में सिग्नल भी हमारे पास आ गए हैं, तो इनको भेज दीजिए जरा। आ जाओ बहन, जो झंडा लिए, बार बार रो मत, खड़ी हो जा बहन, आ जा, थोड़ी सी इनको भर सहयोग कर दो। जय सियाराम साधु जी। अब सब लोग बैठ जाओ, तुम लोग हमें मानते हो, हम सामूहिक अर्जी लगा, बैठ जाओ, बस 5 मिनट के अंदर हम फ्री कर देंगे, बैठो। 1, 3 तक गिनेंगे, 1, 2 अजय 3। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। हम प्रकाश माली जी को भी कहेंगे एक बार धाम पर भी सुनाना, बालाजी को सुनाने, राग सेवा करने, जब समय मिले आना। और
बहुत ही जल्दी आज हम चर्चा कर रहे थे आपके माननीय लाडले मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही लाडले चहेते हैं सबके, वो भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। हाँ आ जाओ बहन। सीताराम माता जी कैसी हो मताई, सही हो, यहीं बाड़मेर की हो? आओ खुशी रहो, जाओ। बागेश्वर दो बार गई सो देखो हम एक बार आ गए तो एक बार का चुकती हो गया, अब दोबारा कथा सुनाने आएंगे हिसाब बराबर हो जाएगा। जय सियाराम। जो तुम मोर पंख लिए कहां घूम रहे, बहुत रसिया बाबा हो तुम, बहुत रसिया हो, खतरनाक, बहुत खतरनाक है ये। हाँ लिया दे दो, लाओ बहना एक पटकी दे हमको बहना। हैं रोने नहीं, लो राखी बांधो तुम, बस 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 ये झंडा ले लो, नीचे नहीं रखना है, बस बस रोना नहीं। आओ बहन जी, लो बांध दो राखी, रोना नहीं बहना, रो रो करके राखी नहीं बांधते हैं, नहीं तो भैया की आयु घट जाती है। सीताराम लो बांधो, कहाँ बोल बागेश्वर धाम की, बोलिए बालाजी सरकार की। कहाँ की हो बहन? नौखा। अच्छा लो राखी बांधो। अच्छा बाड़मेर में ही रहती। तीन साल आपसे जुड़ी हुई हूं, दो बार बागेश्वर आई हूं। अच्छा दो बार तुम भी गई? दो बार, अभी मैं चार दिन रात दिन नहीं सोई, नहीं खाना खाया, आपके पीछे पीछे भागी थी ओली से पहले। हम मिले नहीं होंगे? हाँ, मिले नहीं, नजर में बबू थी तो मिल गई थी। हाँ हम बहुत पगला मुंह रखते हुआ है, आपसे मिलने फोन पे सब कष्ट दूर हो गया, पर मैंने कभी शायद नहीं आपसे मिलना है, मेरा तो कष्ट बताऊं क्या आपको, इतना था हम दोनों मरने के लायक थे। अरे मेरी बहन, तो बागेश्वर धाम जाते रहा करो। वहाँ पहली बार क्या बोला कि ये भगवा देख रहे हैं तो भगवा पैर के मंदिर जा, हमारे जरूरत नहीं है। अब भी वो सुबह उठते हैं ना, फोन करते जय बागेश्वर धाम की, इससे बात तो करते नहीं। हम आपको बता दें, चार दिन बहन जी ने रुकी रही होंगी, वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है और रोज हम वहाँ पर 18 घंटे तक बैठते हैं, लेकिन लगभग हर मंगल शनिवार 1.5-2 लाख लोग रहते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि सबको मिले, इसी चक्कर में अब हमने जगह जगह जाना शुरू कर दिया कि जिनको हम वहां नहीं मिल पाते यहां आकर के मिल लेंगे। मामा बोलता है, बहुत धन्यवाद। लो बहना धन्यवाद, खुश रहे, लो माला ले लो, तुम अपना सामान जो ले आएंगे दे दो, हम फिर अर्जी लगा दें। और तुम्हारी हमने चिट्ठी पढ़ ली, पूरे प्रश्न पढ़ लिए, हमें प्रसाद तुम हलुआ खाओ माता, रसगुल्ला धर लो, गाड़ी में रख लइयो, इतना छोड़ दइयो, नहीं तो जो ना खा जाए। आओ छोड़ दो इनको, सब इनको छोड़ दो, आशीर्वाद जाओ मेरी बहना, खुश रहो। सीताराम अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर महाराज को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अब हमारे साथ बोलो ओ नमः ओम।
श्रीमन महाबालाजी को, माता पिता को और सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था जो भी सामूहिक अर्जी लगा लेंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो कलयुग के राजा सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्धों की कृपा से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, आधा व्याधा में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, बड़ी आशा के साथ शाम से यहां पर बैठे हो, अपनी अर्जी को आप मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं और तुम पेशी शुरू कर देना, जाओ तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी हसीना करवाना, हमारी अर्जी को सुन लेना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम जीवन भर आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करें। पुनः मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करके अपने पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से किसी का भी तंत्र मंत्र टोटका भी होगी दूर हो जाएगा। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 7 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। नेत्र बंद किए हुए ही दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो, धीरे धीरे नेत्रों को खोलो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, तनोट माता धाम की, बाड़मेर वाले वीर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, बाड़मेर के पागलों की। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। एक बार पुनः विश्व हिंदू परिषद के इस हिंदू नववर्ष पर इस कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। सब संतों को साधुवाद, संत विराजमान है सभी संतों के चरणों को प्रणाम, यहां की प्रशासन को धन्यवाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी खूब खूब साधुवाद। भगवान करें इनको किसी की नजर ना लगे, बड़े ही भक्त हैं ये, ठाकुर जी के बड़े ही लाडले हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाओ ऐसे, इन्हें वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दो कि किसी की नजर ना लगे, कह दो खूब खुश रहो, जय जय हो वे। अब इसी के साथ हम जाएंगे, जाने के पहले भैया म्यूजिक वाले तुम पैसा भी तो लोगे, थोड़ा बजा दो। हाँ माली जी कहाँ गए,
ले लो, अब हम गा के बताते हैं। हम आओ तुम कौआ को गलो सुनो। हेलो, श्री गुरु चरण हेलो। क्यों बंद कर दिया भैया, किसी ने घूस दे दी क्या तुम्हें? हाँ, सभी पत्रकार बंधुओं को साधुवाद, आप भी हमारे साथ गाना। हनुमान जी का पागल कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। ओ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, करो हाथ भागल। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। रामचंद्र भगवान की जय हो। अब फिर सुनाएंगे हम कभी। बच्चे को दिक्कत है, पूरे शरीर में दिक्कत है। हाँ, आप आ जाओ, उठ बैठ भी नहीं पाता है, वहां पर मिलो। जाते समय हम भभूति दे रहे। अब हम अपनी वाणी को विराम कर रहे। पागलो सीताराम, अच्छा बाड़मेर मालो, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? पक्का पक्का, ठीक है, बहुत आशीर्वाद। अब हम आओ, गलो प्राण लगो। अब एक मिनट आप उधर उधर करते रहो, हम निकलते जाएंगे सीधा।